क्वेश्चन है पॉइसन प्रोसेस में विच इंटेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू टू, लेट एक्स का डिनोट करता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल वन टू टू एंड लेट वाई बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फाइव टू टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, नीचे में का कौन सा ऑप्शन ट्रू है ऑन दिस बेसिस ये आपको बताना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू वन टू टू, ये इंटरवल वाई के डिनोट करता है इस इंटरवल को फाइव टू टेन, कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में आपके कस्टमर एंटरिंग हो रहे हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व जब रहेगा तो आपकी वैल्यू फाइव बाय सिक्स होल पावर ट्वेल्व ये बन गई क्या। अब देखो ऑप्शन नंबर वन तो आपका क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन पॉइसन प्रोसेस तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिख सकते हैं पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्यू रेस्ट पावर एक्स इंटू पी, ये क्यू का डिनोट करता है कि नंबर ऑफ फेलर, और एक्स क्या कितने टाइम्स आपके नंबर ऑफ फेलर हो रहे हैं, उसके बाद आपको एक तो सक्सेस मिलेगा उसके बाद आपकी प्रोसेस क्या होगी रुक जाएंगी, है ना। तो P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्यू की पावर x इंटू पी, ये जिसपे हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो कंसेप्ट आपको पूछी है कि P ऑफ x इज इक्वल टू जीरो गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू जीरो P ऑफ y इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन P ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। अब ये क्वेश्चन तो पॉइसन प्रोसेस का है और P ऑफ x इज इक्वल टू जीरो P ऑफ y इज इक्वल टू ट्वेल्व दिया हुआ है, तो ये पॉइसन प्रोसेस में हम इसको फाइंड करेंगे। पॉइसन प्रोसेस क्या कहती है, e रेस्ट पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पावर n अपॉन n फैक्टर, लेकिन इसमें टाइम भी इंक्लूड हो रहा है। अगर टाइम इंक्लूड हो रहा है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, e रेस्ट पावर माइनस लैम्डा t रेस्ट पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला P ऑफ x इज इक्वल टू जीरो के लिए, P ऑफ y इज इक्वल टू ट्वेल्व के लिए एंड P ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू ट्वेल्व के लिए अलग अलग आपका यूज होगा। अब यहां देखो आपका जो इंटरवल दिया हुआ है ना x के लिए 1 2, इसमें जो आपका डिफरेंस ये कितने का है, 1 का डिफरेंस है एंड लैम्डा कितना दिया हुआ है आपको 2 और लैम्डा t है, तो t टाइम 1 है, डिफरेंस 1 का है एंड लैम्डा 2, तो माइनस 2 आपने लिख दिया तो लैम्डा t कितना बना 2 और n क्या है 0 है तो 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप इस y इज इक्वल टू 12 के लिए लिखना चाहो तो किस तरह से लिख सकते हो, इस y में आपका डिफरेंस कितने का है 5 का डिफरेंस है और लैम्डा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो क्या बनेगा आपका e रेस्ट पावर माइनस 10 10 रेस्ट पावर 12 अपॉन 12 फैक्टोरियल। ये 10 क्यों आया, देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है 5 का डिफरेंस है, t इज इक्वल टू 5 लिखा आपने और लैम्डा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे n कितना है आपका 12 है, n कितना है 12 है, उसे लिख दिया अपॉन में P of x plus y is equal to 12 दिया हुआ है। अब P of x plus y is equal to 12 अगर निकालना है तो देखो जो x में आपका डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है और y में डिफरेंस है आपका 5 का डिफरेंस, तो 1 यहाँ पे एडिशन है तो 1 प्लस 5 6 बन, t is equal to 6 आपका e raised to power minus 12 12 raised to power 12 upon 12 factorial। ऐसा क्यों बना, देखो यहाँ पे आपका t कितना है 6 है, t कितना है 6 है और लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 तो e रेस्ट पावर माइनस 12 12 रेस्ट पावर n कितना है 12 है अपॉन 12 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हो ना, देखो 2 की पावर 0 ये तो 1 बनेगा, 2 की पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1 ही बनता है। अब और टर्म को हम सॉल्व करते हैं, ये e की पावर माइनस 2 एंड e की पावर माइनस 10, तो यहाँ पे आपकी पावर क्या बन गई एडिशन, तो e रेस्ट पावर माइनस 12 बना, 10 रेस्ट पावर 12 एज इट इज आपने लिख दिया अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन में e रेस्ट पावर माइनस 12 12 रेस्ट पावर 12 अपॉन 12 फैक्टोरियल। टर्म क्या बनेगी, e रेस्ट पावर माइनस 12 10 रेस्ट पावर 12 अपॉन 12 फैक्टोरियल इनटू ये 12 फैक्टोरियल को ऊपर में ले जाओ, 12 फैक्टोरियल अपॉन e रेस्ट पावर माइनस 12 इनटू 12 रेस्ट पावर 12 आपका 12 फैक्टोरियल इनटू 12 फैक्टोरियल ये गेट कैंसिल, उसी तरह से e रेस्ट पावर माइनस 12 e रेस्ट पावर माइनस 12 गेट कैंसिल बना, तो रहेगा क्या आपका 10 रेस्ट पावर 12 अपॉन 12 रेस्ट पावर 12, रिमेनिंग क्या बचेगा आपका 10 रेस्ट पावर 12 अपॉन 12 रेस्ट पावर 12 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 10 अपॉन 12 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट की पावर 12 5 टू जा 10 एंड 6 टू जा 12, तो क्या बनेगा आपका 5 अपॉन 6 पावर 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ये जो सब प्रोसेस हो रही है ना पॉइसन प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एक्स एंड वाई के लिए, ये कौन से बेसिस पे हो रही है, जबकि एक्स एंड वाई आपके कैसे है
इंडिपेंडेंट है। जब आपके एक्स एंड वाई ये इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी ये जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन पॉइसन प्रोसेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए सेटिस्फाई होंगी। दैट क्या ऑप्शन नंबर टू इज ऑल्सो करेक्ट। हेंस ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर थ्री क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई इज अ पॉइसन विद पैरामीटर सिक्स, सम ऑफ पॉइसन प्रोसेस इज ऑल्सो पॉइसन। लेकिन ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर क्या है, सिक्स है, लेकिन पैरामीटर कौन से होते हैं पॉइसन के, एन एंड पी। तो आप अगर कहीं x प्लस वाई करेंगे, अगर n को आप लेंगे यहाँ पे कुछ और y को लेते हो, तो यहाँ पे तो n तो आपका 12 है, तो 6 आएगा क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 तो ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि x माइनस वाई इज अ पॉइसन विथ पैरामीटर 8, डिफरेंस ऑफ पॉइसन प्रोसेस इज नॉट पॉइसन। जो डिफरेंस रहता है ना पॉइसन प्रोसेस का, ये तो पॉइसन नहीं रहता है, क्योंकि पॉइसन प्रोसेस क्या फॉलो करती है, स्टोकेस्टिक को फॉलो करती है, तो आपके नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। मीन दैट कि ऑप्शन नंबर फोर इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर टू ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए।